सो हेलो गाइस, सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने लिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करूँगा कि मतलब आप किस किस स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर परचेस करें जिससे कि आपका काम स्मूथली हो सके। ठीक है, जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोग को बताना चाहूँगा कि हे गाइज, आई एम डीजेनिक एंड आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम लास्ट 7 years एंड इन दिस चैनल आई एम हेयर टू शेयर माई म्यूजिक प्रोडक्शन स्किल्स विथ यू गाइज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एफएल स्टूडियो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप पीसी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ पे रहते हो, कितना ट्रैवल करते हो, घर पे कितने टाइम रहते हो। अगर आप एक ट्रैवल फ्रीक हो या फिर आपका काम मतलब ट्रैवलिंग का रहता है मैक्सिमम टाइम, तब आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। या फिर अब अगर आप प्रेफर करते हो कि घर पे रह के म्यूजिक प्रोडक्शन करना, तब आपको डेस्कटॉप पीसी पे जाना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप एक ट्रैवल फ्रीकर जो होते हैं उनके लिए लैपटॉप बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो हम मैं अगर ट्रूली बोलूं कि अगर म्यूजिक प्रोडक्शन हो या फिर कोई एडिटिंग का काम हो, तो आपको उस टाइम पर डेस्कटॉप पीसी पे ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, मतलब क्योंकि मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, मैं कंप्यूटर भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, बट मेरा जो मैक्सिमम काम रहता है एडिटिंग का या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन का, वो मैं अपने डेस्कटॉप से करता हूँ। एक्सेसिबिलिटीज़ होते हैं जो कि हमको चाहिए स्मूथली काम करने के लिए, वो लैपटॉप पे नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, अगर आप 1.5-2 lakh का अगर लैपटॉप लेते हो तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप 50-1 lakh के अंदर अगर कोई पीसी लेते हो या फिर उसी बजट में एक लैपटॉप लेते हो, तो आपको मतलब बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये है मेरा थॉट कि अगर आप घर पे रह के प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली डेस्कटॉप पीसी के साथ जाइए। मैं अपने पीसी के बारे में भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, मैं अपने पीसी के स्पेक्स के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन सा पीसी यूज़ करता हूं और उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि सम टेक्निकलिटीज़ जो आपके कंप्यूटर या फिर पीसी पे, लैपटॉप पे, जहां पे भी हो, जिससे कि आपको आसानी हो अपना जो प्रोग्राम है एफएल स्टूडियो, एबल्टन, कोई भी डो यूज़ कर रहे हो या फिर एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो, काइंड प्रीमियर प्रो, डैमियन से रिजॉल्व या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब यूज़ कर रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम मेनली फोकस करके चलेंगे डो के ऊपर, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उन केस में क्या होता है कि गाइस, हमारा जो सीपीयू है और जो रैम होता है वो पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रोसेस करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो सीपीयू के भरोसे होगा। ठीक है, आपके सीपीयू में जितने ज़्यादा कोर्स होंगे आपको उतना ही आसानी होगा एक मतलब प्रोग्रामिंग करने में, मतलब जब भी आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो या फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई वोकल्स या फिर ड्रम्स पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, बीट मेकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको सीपीयू यूसेज बहुत लगेगा। आप लोग देखते भी होंगे कि एबल्टन हो या फिर एफएल स्टूडियो हो अपना, आप जब भी यूज़ करते हो आपको ज़्यादा सीपीयू यूजेस लगता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा कोर्स वाले सीपीयू पे जाना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूँगा राइजन 5 पे जाइए या फिर इंटेल i5 पे जाइए। ठीक है, मैं लिस्ट करूँगा इसके बाद कुछ लैपटॉप को, मैं लिस्ट करूँगा जिससे कि मतलब आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाए कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो सीपीयू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो कोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, मल्टीपल थ्रेड्स भी हों, मतलब कि जितने कोर्स हो उससे डबल थ्रेड्स होते हैं, आपको पता होगा, तो ज़्यादा थ्रेड्स हो, ज़्यादा कोर्स हो, जिससे कि आपका वर्क फ्लो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, और सेकेंड थिंग होता है रैम। हम जितने ज़्यादा रैम यूज़ करेंगे, मतलब हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जितने ज़्यादा रैम होगा, उससे हमको जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो स्मूथली मिलेगा। ठीक है, अगर आप बेसिक सा काम करते हो, बेसिक सा काम मतलब सिर्फ बीट मेकिंग है या फिर सिंपल सा ट्रैक मेकिंग है, तो आप 8 GB रैम लेके चलिए। ठीक है, अगर आप एक हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस टाइम पे 8 GB रैम थोड़ा लैग करेगा, तो आप अपने काम के अनुसार रैम को इंक्रीज़ कीजिए।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 8GB रैम मिनिमम लेके चलिए। अगर आपका काम थोड़ा ज़्यादा है, आप कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, मल्टीपल वोकल रिकॉर्ड्स करते हो, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पे रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको 16GB या फिर 32GB का रैम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो अभी, न्यूली स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आपको 8GB रैम मोर देन इनफ है, आप 8GB रैम के साथ चलिए। और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है SSD, ठीक है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव से बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के लिए आप एक सेपरेट SSD परचेज कीजिए, ठीक है। 128GB का या फिर 256GB का एक सेपरेट SSD यूज कीजिए, जिससे कि हमारे कोर्स मल्टीटास्किंग करते हैं उसको SSD हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ टेक्निकलिटीज़ जिसको आपको ध्यान में रख के कुछ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करना है, ठीक है गाइस। अगले टॉपिक में मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी होगा, आपको रेफरेंस मिल जाएगा, और उन सब प्रोडक्ट्स के लैपटॉप के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया रखा हूँ, अमेजोन के लिंक से आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब कैसा है, आपको किस किस स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना है। तो गाइस आखिर में हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन सा कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, मेरे कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली CPU में यूज़ करता हूँ राइजन 7 2700X, और GPU यूज़ करता हूँ RTX 2060, 6GB का वर्ज़न होता है जो, और RAM मेरे कंप्यूटर में है 16GB DDR4, ठीक है गाइस। तो ये मेरा PC के स्पेसिफिकेशंस हैं, और मैं इससे आराम से वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, और इसके साथ म्यूजिक प्रोडक्शन भी अच्छे से चलता है, और मैं ट्यूटोरियल्स भी रिकॉर्ड करता हूँ जब भी, मतलब कि मैं ऐसे बीट बना रहा हूँ, कुछ बना के दिखा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो मेरा उस वैसा कुछ लैग नहीं करता। और FL Studio भी मेरा, मतलब कभी CPU यूजेज जो आपका हाई रहता है वो ऐसा भी मेरा कभी नहीं होता, क्योंकि जो Ryzen 7 2700X है उसमें 8 cores and 16 threads हैं, जो कि मोर देन इनफ है FL Studio को रन करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा सा प्रोसेसर लीजिए, और उसी के साथ थोड़ा ज़्यादा रैम यूज़ कीजिए, और अपना जो सी ड्राइव है एक SSD लगाइए जिसपे सिर्फ आप अपना सी ड्राइव को रखें, ठीक है गाइस। मतलब जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल हो, जिससे कि आपका जो स्पीड होगा कंप्यूटर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रीवियस वाले कंप्यूटर से आप देखिएगा तो आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला है और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के टेक रिलेटेड वीडियो के साथ म्यूजिक प्रोडक्शन के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।